नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं विक्रांत। आज फिर एक नई कहानी से शुरुआत करते हैं, तो चलिए साल 2005 का चुनाव याद कीजिए, जब आपको अपराध और जंगल राज का याद दिलाया जाता था और आपसे वादा किया गया था कि हमारी सरकार बनाइए, हम आपको सुरक्षित माहौल देंगे। आपने बना भी दी और फिर सुशासन पर दोबारा भरोसा भी किया, लेकिन तीसरी बार ऐसा लग रहा है कि मानो सुशासन पर से भरोसा उठने लगा है। और यह सवाल पूछा जा रहा है कि हम भरोसा क्यों करें। सवाल यह भी पूछे जाने लगे हैं कि क्या वह दौर फिर से लौट आया है कि हमारे बच्चे बाहर निकले, कोई उसे अगवा कर दे, फिरौती मांगे और ना देने पर हत्या कर दे, या फिर बच्चे हमारे बाहर निकले और दोबारा लौट कर घर सुरक्षित आए, इसकी कोई गारंटी ही नहीं हो। बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। क्या वाकई में सुशासन का रौनक खत्म हो चुका है या सुशासन का दावा अब खारिज हो चुका है? यह सवाल हम उठा रहे हैं, और उठे भी तो क्यों नहीं। बिहार में घटना ही कुछ ऐसी घटी है। बेगूसराय में DAV का छात्र का अपहरण होता है और कुछ दिनों के बाद उसका डेड बॉडी पटना के मोकामा टाल से बरामद किया जाता है, यानी अपहरण कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको पूरा डिटेल बताते हैं। बिहार के बेगूसराय से, जहां स्कूल जाने के दौरान 4 दिन पहले गायब हुए इंटरमीडिएट के एक छात्र का शव पटना जिले के ओंटा मोकामा टाल के समीप रेलवे लाइन के किनारे पानी में बरामद किया गया है। शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना सोमवार की सुबह छात्र के शव मिलने की सूचना ग्रामवासियों को मिली, वैसे ही गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। मृतक की पहचान बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र अंतर्गत विनोदपुर के रहने वाले नीरज कुमार का लगभग 16 वर्षीय पुत्र ऋतुराज कुमार के रूप में की गई। मृतक ऋतुराज इटवा DAV स्कूल में 12वीं कक्षा का छात्र बताया जा रहा था। मृतक के पिता नीरज कुमार ने बताया कि ऋतुराज अन्य दिनों की तरह 26 अगस्त को अपने साइकिल से विद्यालय जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन विद्यालय नहीं पहुंचा। इसके बाद सिंघौल थाने में आवेदन देकर खोजबीन की गुहार लगाई गई, लेकिन कुछ अता पता नहीं चल सका। इसी बीच खोजबीन के दौरान बेगूसराय रेलवे स्टेशन से ऋतुराज की स्कूली बैग लटका साइकिल बरामद किया गया था। परिजनों ने बताया कि उसे कपस्या चौक से अपराध का आरोपी के साथ छात्र को जाने की सूचना मिली, एवं अंतिम बार कुछ लोगों ने GD कॉलेज परिसर में ऋतुराज को देखा था। वहीं पुलिस पर दबाव बनाने जाने पर उक्त छात्र को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद एवं जांच के बाद उसे छोड़ दिया गया। मोकामा टाल इलाके में ओंटा के समीप मछुआरों ने रेलवे लाइन के किनारे पानी में शव देखकर इसकी सूचना रेल थाना पुलिस को दी, और सोमवार को पानी से शव निकालकर स्कूल ड्रेस के आधार पर हाथीदह पुलिस ने थाने को सूचित किया। उसके बाद पुलिस के द्वारा छानबीन करने के दौरान इसकी पहचान ऋतुराज के रूप में किया गया। लोगों का कहना है कि सूचना मिलते ही पुलिस अगर त्वरित कार्रवाई करती तो शायद ऋतुराज को जिंदा बचाया जा सकता था। इस संबंध में सिंघौल थाना प्रभारी दीपक कुमार ने बताया कि परिजनों द्वारा लापता होने का आवेदन दिया गया था, जांच पड़ताल भी की जा रही थी और आश्वासन भी दिया गया था और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। इस आंकड़े में जनवरी से सितंबर तक का औसतन एक साथ और अलग से अक्टूबर 2020 के अपराध के मामले जारी किए गए थे। बुधवार को यानी 2020 के जारी आंकड़े के अनुसार साल पिछले 9 महीने यानी जनवरी से सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में संज्ञेय अपराध में 3.12% का इजाफा हुआ है। जनवरी से सितंबर तक कुल संज्ञेय अपराध 21,419 हुए, जबकि अक्टूबर 2020 में 22,068 केस दर्ज हुए हैं। अगर संगीन अपराधों की बात कर लिया जाए तो हत्या, डकैती, लूट, गृहभेदन, चोरी, दंगा, रेप, रोड डकैती, रोड लूट में कमी आएगी। हालांकि जनवरी से सितंबर के मुकाबले अपहरण और फिरौती के लिए अपहरण में बढ़ोतरी हुई।
मुख्यालय द्वारा अक्टूबर के जारी आंकड़े टेंटेटिव हैं, जबकि जनवरी से सितंबर तक के अपराध आंकड़े औसतन में जारी किए गए हैं। हत्या में 9 तो डकैती में 89 व लूट में 72% कमी आंकड़ों के अनुसार आई है। जनवरी से सितंबर तक औसतन 267 हत्याएं हुई, जबकि अक्टूबर में 243 हत्याएं हुए, यानी 9.1% की कमी आई। वहीं डकैती की सितंबर तक 10 वारदातों हुई, जबकि अक्टूबर माह में केवल 2 केस दर्ज किए गए, यानी डकैती में सबसे अधिक 89.47% की कमी दर्ज की गई। इसी तरह सितंबर तक बिहार में लूट के 153 मामले आए, वहीं अक्टूबर में डकैती की 42 घटनाएं हुई और इसमें 72.63% की कमी आई। गृह भेदन में जहां 3.37, चोरी में 7.30, दंगों में 36.73, रेप में 20.25, रोड डकैती में 10.81, रोड लूट में 19.77% की कमी दर्ज की गई। अगर हम फिरौती के लिए अपहरण की बात करें तो उसमें 125% का इजाफा हुआ है। जनवरी से लेकर सितंबर तक अपहरण के औसतन 638 केस सामने आए, जबकि अक्टूबर माह में 765 केस हुए, यानी अपहरण में 19.8% का इजाफा हो गया। फिरौती के लिए अपहरण की बात करें तो 9 माह में औसतन 222 मामले आए, वहीं केवल अक्टूबर माह में 5 केस हुए। फिरौती के लिए अपहरण में 125% की बढ़ोतरी हुई है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में क्राइम का ग्राफ कितना बढ़ चुका है कि लोग अब डरने लगे हैं, बाहर निकलने से कतराते हैं, ये सोचते हैं कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस की कार्यशैली आप भी वाकिफ हैं, पुलिस किस तरह से काम करती है। अगर हत्या होती है तो आधा घंटा बाद पहुँचेगी, छिनतई अगर होती है तो पहले उनको बताइए, फिर फ़ोन अगर करते हैं तो कहेंगे कि आप थाना आइए। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आंकड़ा और पुलिस दोनों अलग अलग रास्ते चल रहे हैं। एक तरफ लोग पुलिस का कहना है कि आंकड़े में कमी आए और लोगों का कहना है कि क्राइम का ग्राफ काफ़ी बढ़ चुका है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में शायद फिर से जंगल आज आ चुका है। तो ऐसे ही नई नई कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।